हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आप ये डॉग देख रहे हैं, लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड, ये है रियो और ये चैम्पियन लाइन डॉग है। और इसको बेसिकली किंग शेपर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल एवरेज जर्मन शेपर्ड की हाइट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसकी। तो मैं आज आया था एक कैनल पे, जहाँ एक ब्रीडर हैं जो सिर्फ जर्मन शेपर्ड की ही ब्रीडिंग करते हैं, वो लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड उनके सारे। तो आप देख सकते हैं जितने भी जर्मन शेपर्ड दिख रहे हैं सारे लॉन्ग कोट हैं, इसमें मेल है फीमेल्स हैं। तो ये जो डॉग्स हैं ये सब केसीए रजिस्टर्ड हैं, और जो इनकी लोकेशन है वो है काशीपुर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ ये कैनल है। तो मैं स्क्रीन पे इसका एड्रेस दिया है, आप देख सकते हैं। और बाकी अगर ओनर से अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना हो रिगार्डिंग पपीज़, अगर आपको पपीज़ लेने हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनका ओनर का नंबर दिया है मैंने, आप वहाँ चेक कर सकते हैं और ओनर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और आपको जो भी पपीज़ के रिगार्डिंग पूछना या ख़रीदना वगैरह हो तो आप उनसे कर सकते हैं। तो आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी सुपर्ब क्वालिटी की रहे डॉग्स। और जिनको भी केसीए रजिस्टर्ड डॉग्स चाहिए तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है इनके पास, तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए एक बार। और इस लॉन्ग कोट जिसको स्पेशली पसंद है वो इनसे ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे शो लाइन के डॉग्स इनके पास, सारे केसीए रजिस्टर्ड हैं, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स हैं। ये वही किंग शेपर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था, रियो। और ये जो है ये दूसरा डॉग है उनका। तो मैं आपको एक एक करके इन डॉग से मिलवाता हूँ। ये है रियो, इसकी बात करूँ तो ये 3.5 साल का है, 3 and 5 years। तो ये जो है किंग शेपर्ड में से इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये नॉर्मल जो डॉग्स हैं ना उनकी हाइट से कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए ये किंग शेपर्ड है। और सामने से देखने पे और ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सुपर क्वालिटी का डॉग है, लॉन्ग कोट है फुली, और प्रॉपर एंगुलेशन भी है इसमें। और अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो काफ़ी अच्छा इनको मेंटेन करा हुआ है इनके ओनर ने। तो अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि ओनर इनको क्या क्या फीड करते हैं, कोई पेडिग्री या रॉयल कैनन वगैरह देते हैं कुछ, या वेजिटेबल्स कौन से देते हैं, चिकन वगैरह कितना किस अमाउंट में, और जो भी मेडिसिन वगैरह हैं हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी आप इनको डॉग्स को देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स हैं। तो नियर बाई के जो लोग हैं काशीपुर के, और जो भी यूपी से इलाका अटैच्ड है, तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी नियर बाई हैं आपके, और इनके पास इनके पर्सनली विज़िट कर सकते हैं इनके कैनल पर, और डॉग्स को देख सकते हैं पर्सनली। तो काफ़ी अच्छे डॉग्स हैं। और इसी के साथ मैं अभी और आपको एक एक करके सारे डॉग से मिलवाता हूँ और सारे डॉग से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये हो गया रियो, ये एक चैम्पियन लाइन का डॉग है केसीआई रजिस्टर्ड। तो जो अगला डॉग मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो भी केसीआई रजिस्टर्ड ही है। ये देखिए, इसका नाम है रॉनी, ये 20 months का डॉग है। और अब इसकी हाइट देखिए, अब इसकी हेल्थ देखिए, आप कितना अच्छे से इसको मेंटेन करा हुआ है। और इनको ये रोज़ वॉक पर लेके जाते हैं ताकि अच्छे से फिट रहें, हेल्दी रहें। तो मैं भी आपको और पपीज़ दिखाता हूँ। तो ये है एक फ़ीमेल इनकी रिसेंटली जिसने बेबीज़ दिए हैं, ये बेबीज़ अभी 17 to 18 days के हैं, और ये लॉन्ग कोट पपीज़ हैं। इनकी फ़ीमेल जो है वो लॉन्ग कोट है, और जो फादर है वो अभी मैंने आपको जो रॉनी दिखाया वो उसी वही फ़ादर है इनका। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं और बेबीज़ भी कितने अच्छे हुए हैं। तो बेबीज़ सारे लॉन्ग कोट हैं, तो जिसको भी पपीज़ चाहिए प्लीज़ इनसे कॉन्टेक्ट करिए आप। बाकी मैं इनकी पपीज़ की बात करूँ तो इनको अभी सेरेले खिलाना शुरू कर देंगे 20 दिन के बाद, और जब 1 month कंप्लीट हो जाएगा तो इसको फीड वगैरह देना शुरू कर देंगे ओनर। तो अभी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैंने एक सेपरेट वीडियो बेसिकली बनाया है, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इन पपीज़ के बारे में। तो अभी सिर्फ ये ऊपर से बता रहा हूँ कि ये फ़ीमेल ने बेबीज़ दिए हैं, तो जिसको चाहिए वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये एक फ़ीमेल है, इसका नाम है लवली, और ये देखिए फुल लॉन्ग कोट है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है। ये अभी सिर्फ 6.5 months की है, और कितनी अच्छी हेयर ग्रोथ हुई है इसकी, और प्रॉपर एंगुलेशन भी है इसमें। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स रखे हुए इन्होंने, और जो इनका ब्रीडिंग बिजनेस है बेसिकली, ये 15 to 17 years हो गए इनको ब्रीडिंग करते हुए, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसड है। और सिर्फ ये जर्मन शेपर्ड की ब्रीडिंग करी इन्होंने, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, स्पेशली जर्मन शेपर्ड के उसमें। तो ये इनका कैनल है इधर, काफ़ी सुंदर कैनल है। और ये जो आप ये देख रहे हैं डॉग जो चल रहा है, ये जो पीछे रियो जो बताया था मैंने आपको चैम्पियन लाइन डॉग, ये उसी का सन है।
तो ये अभी सिर्फ 9 मंथ्स का है, और इसकी ग्रोथ देखिए आप, सुपर क्वालिटी की ग्रोथ हुई है इसकी। तो अगर मैं अभी आपको और डॉग्स दिखाऊं, तो यहाँ भी कुछ डॉग्स रखे हुए इन्होंने, वो देखिए पीछे दो डॉग्स हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और कुल मिला के इनके कैनल की बात करूँ तो 8 से 9 डॉग्स हैं, अडल्ट और सेमी अडल्ट मिलाकर, जितने भी मेल फीमेल हैं। तो अभी ये है एक फ़ीमेल जो कि सर्बिया इम्पोर्टेड है, और इसे सर्बिया से इम्पोर्ट करा हुआ था, और ये भी सिर्फ 7 मंथ्स की है। और आप इसकी फ़र क्वालिटी देखिए, इसकी इसकी हेल्थ देखिए, इसकी हाइट, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा हुआ है इसका इनके ओनर ने, और इसी तरीके से सारे ओनर्स डॉग्स का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। अभी हम इनके फूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको क्या खिलाते हैं, किस तरीके से इनको मेंटेन करा हुआ है, और रोज़ इनको घुमाने लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये वही रॉनी है, कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। तो चलिए मैं अब आपको इनको जो इनकी डाइट है मैं उसके बारे में बता दूं कि ओनर ने क्या क्या बताया है। तो फूड की अगर बात करूँ तो इनको ये चिकन देते हैं, ये इनको बॉइल्ड एग्स देते हैं, ये इनको राइस देते हैं, ये इनको रोटी देते हैं और दही देते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको मैश करके देते हैं, एक टाइम पे नहीं, मतलब अलग अलग टाइम पे, आप डिपेंड करता है आप क्या खिलाना चाहते हैं। और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इनको पम्पकिन देते हैं और लौकी देते हैं और कैरेट्स वगैरह बॉइल्ड करके इनको अपने डॉग्स को देते हैं। तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छा अच्छा फूड इनको देते हैं। और मेडिसिन की बात करूँ तो ये ने मल्टी विटामिन, कैल्शियम, लिव 52, मैं जो लिवर टोनिक है, ये सब इनको देते हैं, और 1 ml/10 kg में होता है, तो इनके वेट के अकॉर्डिंग इन्हें खाने पे मिलाकर दे देते हैं। तो छोटे पपीज़ को तो हम डायरेक्ट खिला लेते हैं, लेकिन बड़ों को खाने में मिलाकर दे देते हैं, तो हैबिट हो जाती है उनको खाने की। और डिवॉर्मिंग की अगर बात करें तो हर 2 से 3 महीने में डिवॉर्मिंग कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिवॉर्मिंग करना डॉग्स की, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि उनको खाना अच्छे से पचे। तो बस यही था इस वीडियो में, इस ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने कैनल का आप लोगों के लिए। होप्स तो आप लोगों को पसंद आया हो। तो आप, मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आप ज़रूर इस कैनल को एक बार कंसिडर करना, अगर जिसको भी पपीज़ ख़रीदने हैं एक बार इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आप इनसे बात करें ओनर से, मैं ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको हो रिगार्डिंग डॉग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। और मैं इसी तरह की और वीडियोज़ बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अगर कोई अगर चाहते हैं कि अब मैं कोई इम्प्रूवमेंट करूं वीडियो में, या थोड़ी लंबी वीडियो या थोड़ी शॉर्ट वीडियो कैनल्स की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।